बिगेस्ट वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बनाने जा रहे हैं कुआ वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सर्कल ड्रॉ करना है, 10 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है। ओके, आफ्टर दैट उसमें आपको और एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है दोनों साइड से, दिस वन एंड हियर वन। यहाँ बहुत ध्यान देना ज़रूरी है, देखो यहाँ पे हमें सीधी लाइन नहीं ड्रॉ करनी है, थोड़ी टेढ़ी करनी है इस तरीके से, ठीक है। चलिए तो अभी ये है 10 सेंटीमीटर, उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 5, उसका हाफ लेना है। फिर यहाँ पे और एक लाइन ड्रॉ करनी है लाइक दिस, ठीक है। तीनों पैरेलल होनी चाहिए और यहाँ से 3 सेंटीमीटर पॉइंट मार्क करना है, ठीक है। अभी देखिए, बड़े ही ध्यान से देखना है क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है। आपको इससे इस तरीके से कर्व लाइन ड्रॉ करनी है, सिमिलर एक सर्कल जैसा बनाना है और ठीक है, इतना आप कर लोगे। चलो तो अनवांटेड लाइन्स हमने डिलीट कर दी है, बस स्केचिंग वर्क है अभी। 2B का यूज़ किया है, 2B पेंसिल एंड 6B पेंसिल। ओके, पहले लाइट किया फिर डार्क किया कुछ इस तरीके से, एंड शेडो वर्क 2B में ही करना। स्मूदिंग आप कपड़े से करना, काफ़ी अच्छी हो जाती है। स्टम्प यूज़ कर रहे होंगे तो अच्छी बात है। और यहाँ पे 2B का यूज़ किया है एंड डार्क मोड के लिए भी हमने 6B का यूज़ किया है लाइक दिस। काफ़ी इजी ड्राइंग है, बस आपको थोड़ा टेक्निकल टर्म समझ में आ जाएगा तो आप इजीली कौन से भी ऑब्जेक्ट को आप 3D में ड्रॉ कर पाओगे। और चैनल को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन गाइस। एंड इसी तरीके से आगे भी वीडियोस आएगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इफ़ यू वॉन्ट एनी ड्रॉइंग। सो देख सकते हो ये है नॉर्मल व्यू, अभी देखो हमने टिल्ट किया हमारे कैमरे को, देख सकते हो। और देखिए देखिए देखिए, हमने इसको घुमाया और हियर इट इज़ योर 3D व्यू। अभी देखिए, मैं जो मेरा सेलफोन है उसे और नीचे नीचे कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि उस 3D ऑब्जेक्ट का साइज भी छोटा छोटा हो रहा है, देखिए, है ना। यही इसकी खूबी है, इट्स अ एनमोफिक इल्यूजन। आई होप गाइस सबको पसंद आ रहा होगा, ठीक है। अब ऊपर करेंगे तो साइज़ और बढ़ेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।